गाइस hey सबसे पहले आप सभी का बिग वेलकम है एजुकेशन के टेटक्रैक चैनल में गाइस आज हम बात करेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत यानी कि गेस्टाल्ट थ्योरी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको और कंप्लीट डिटेल में समझेंगे इस थ्योरी को तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ बता देती हूँ कि गाइस आपका जो भी सी का जो पेपर होने वाला है जुलाई में मे भी पोस्टपोन हो जाए अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि पोस्टपोन होगा तो गाइस अभी हम उसी को टारगेट करेंगे कि जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आपके लिए एक इन्वायरमेंट का कोर्स जो है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूं तो उसकी प्लानिंग हो रही है तो गाइज़ जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाली हूं इन्वायरमेंट का वो आपका इस टाइप का कोर्स होगा कि आपको डायरेक्ट जो उसी के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे गारंटी के साथ मैं आपको हंड्रेड परसेंट यहाँ पर बोल रही हूं कि जो मैटर जो भी क्वेश्चन या जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूँगी डायरेक्ट वही स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में मिलेगी डायरेक्ट क्वेश्चन गाइज ठीक है तो इन्वायरमेंट का आपका थर्टी नंबर का पोर्शन आता है सी के फर्स्ट पेपर में तो अगर आप चाहते हैं कि आ, मतलब मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करूँ इस टाइप का कोर्स ताकि आपको सीटेट में इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप कवर अप कर पाएँ तो इस मैंने ये सोचा है कि जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसी टाइम से आपका जो ये कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसी टाइम हमारा ये नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और इस, कोशिश रहेगी कि सीटेट से पहले आपका कवर अप हो जाए पूरा सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है सो so गाइस अभी स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक संज्ञानवादी सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यानी कि सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इससे पहले हमने व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत हैं उनको डिस्कस कर लिया है देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे तो सो गाइस ये जो सिद्धांत है संज्ञानवादी सिद्धांत या जिसे कहते हैं गेस्टाल्ट थोई इसके प्रतिपादक हैं वीमर ठीक है तो प्रतिपादक इसके वर्दीमर हैं लेकिन जो इसके प्रयोग करता है गाइस वो कोहलर है अगर आपको एग्ज़ाम में प्रतिपादक पूछे तो वर्दीमर देख देख लेना आंसर में और प्रयोगकर्ता अगर पूछे तो कोहलर आपको चूज करना है जर्मनी के हैं और इनके एक सहयोगी थे इस एक्सपेरिमेंट में इस प्रयोग में सिद्धांत में जिनका नाम है कोफका और गाइस कोफका की एक बुक है द गेस्टाल्ट द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट इसी में इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की हुई है यानी कि ये जो सिद्धांत है वो इसी बुक में बताया गया है और इन्होंने प्रयोग किया था गाइस वन मानस पर यानी कि चिंपाजी पे प्रयोग किया था और उसका नाम सुल्तान था तो एक बार तो क्वेश्चन यही आया हुआ है कि वर्दीमर कॉलर कॉफ का इनका जो ये गेस्टाल्ट थ्योरी है इसमें जो चिंपाजी पे एक्सपेरिमेंट हुआ है उस चिंपाजी का नाम क्या है तो गाइस इसका नाम सुल्तान था ये याद रखिएगा और थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो बुक है कोफका की इसमें इस, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा हुई है इसके बाद में पहले जान लेते हैं डिटेल में कि इस एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने या कोफका ने किस प्रकार से चिमपेजी पे प्रयोग किया तो वैसे इन्होंने क्या किया एक चिमपेजी लिया और उसको इस प्रकार से बॉक्स में या जाल टाइप में बंद कर दिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप बनाया हुआ है अपना देखिए ज़्यादा अच्छी ड्राइंग यहाँ पे नहीं है बाकी आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए गाई ड्राइंग का कोई मतलब नहीं बनता है तो देखिए इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए नंबर वन एक्सपेरिमेंट में ये क्या करते हैं नंबर वन एक्सपेरिमेंट में ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है ए नंबर उसमें क्या करते हैं ये क्या रखते हैं एक आता है यहाँ पे चिम्पेजी ठीक है इसके बाद में यहाँ पे गाइस जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये बॉक्स हैं और ये एक साइड में बनाना का सेटअप इस टाइप से ऊपर टांग देते हैं लगा देते हैं ठीक है तो अब चिमपा को जब बॉक्स में बंद करेंगे ऊपर से बनाना इन्होंने एक साइड से टांग दिया है तो चिम्पा क्या करेगा बनाना के लिए भाग दौड़ करेगा कि किस टाइप किस प्रकार वो इस बनाना को ले पाए ठीक है खा पाए उसको तो बनाना के लिए भाग दौड़ करेगा लेकिन उसका एकदम से तो उसको माइंड में नहीं आएगा कि ये जो बॉक्स रखे हैं किसके लिए रखें या कुछ भी तो वो ऐसे ही भाग दौड़ करता रहेगा बनाना की तरफ अपना जो है उसको कोशिश करेगा लेने के लिए लेकिन उसका हाथ जो है वो बनाना तक नहीं पहुंच पाता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसी दौरान जो कॉलर है का है वो क्या नोटिस करते हैं कि जो आपका चैंपेजी है वो इस तरह से भागदौड़ करता करता क्या करता है एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रख देता है और फिर उस बॉक्स के ऊपर चढ़ता है और बनाना को ले लेता है तो गाइस ये जो है कॉलर ने और उन्होंने कोफका ने नोटिस किया कि जो चिंपा है वो इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो जाल में कर रहा है उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा सेटअप लगाया चिंपा के लिए जाल में उन्होंने क्या किया सेम वही बनाना को इस टाइप से टांग दिया और उन्होंने दो छड़ी यानी कि रोड लाइक जो है उसमें रखा जाल में अब गाइस चिंपाजी क्या करता है उन बनाना को लेने के लिए क्या करेगा सबसे पहले भागदौड़ करेगा मतलब उछल कूद करेगा भी किस प्रकार से वो बनाना को ले उसके बाद में वो क्या करता है छड़ी के साथ भी खेलता है छड़ी को इधर उधर फेंकता है उसके बाद में अचानक से क्या होता है वो एक छड़ी जो है वो दूसरी छड़ी से ऐसे जब टच करता है तो वो कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से इस प्रकार उनके बीच में कोई घूटी टाइप की लगी होती है ठीक है तो वो कनेक्ट हो जाती है और जो आपका जिनपे जी हैं जो सुल्तान है वो क्या करता है फिर उस छड़ी की हेल्प से उन बनाना को ऊपर से उतार लेता है उनको खा लेता है ठीक है गाइज तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो आपके जो कोफ का हैं कोहलर हैं ये नोटिस कर रहे थे तो इन्होंने ये सब चीज़ें नोटिस की एक्टिविटी इनकी नोटिस की सुल्तान की वन मानस की उसके बाद में उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाला तो गाइस फिर ये क्या कहते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सूज पे आधारित है यानी कि ये सूज पे आधारित है ये जो वन मानुष है ये जो सुल्तान है ये सूज पे काम कर रहा है उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो सूज होती है वो अचानक विकसित होती है कैसे गाइस क्योंकि इनका जो संज्ञानवादी है गाइस इनका ये मानना होता है इनका ये सारे ये मानते हैं जो वर्दीमर है कोहलर है कोफका है ये सारे संज्ञानवादी हैं और ये ये मानते हैं कि जो हमारा अधिगम होता है वो अचानक होता है ठीक है यानी कि अधिगम में समय नहीं लगता है हमारा जो अधिगम है जो सूज है वो अचानक होती है लेकिन जो संज्ञानवादी है यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था वाटसन जे बी जो आपके इसके अलावा थॉन्डाइक है स्कीनर है सीएल हल है ये सब क्या मानते हैं कि जो अधिगम है उसमें समय लगता है अधिगम धीरे धीरे होता है ठीक है लेकिन संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि अधिगम में समय नहीं लगता है तो इनका मानना है कि यहाँ पे जो सूज है वो अचानक विकसित हुई है अधिगम में समय नहीं लगता है और संज्ञानवादी प्रकृति का प्रयोग है यानी कि यहाँ पर जो वन मानस है वो अपने संज्ञान का अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है और अचानक से वो क्या कर लेता है सूज को विकसित कर लेता है ठीक है गाइस तो ये कंक्लूजन इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा इसके बाद में गाइस देखिए मेनली आता है इसके जो शैक्षिक महत्व है शिक्षा में इसका क्या महत्व है सिद्धांत का वो तो अब शिक्षा में महत्व देखिए कठिन विषयों के लिए उपयोगी हो सकता है ठीक है जो भी कठिन विषय हैं उनके लिए उपयोगी हो सकता है गाइस यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनने का चांस रहता है उसके बाद में आता है कि समय खोज करके सीखते हैं अब जो वन मानव है जो सुल्तान है वो समय तो खोज खुद ही से तो खोज कर रहा है ना वो बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देता है खोज कर रहा है कुछ रचनात्मक कर रहा है ठीक है तो शैक्षिक महत्व में आ जाएगा कि समय खोज करके सीखते हैं बालकों को हम ले चल सकते हैं इसके साथ में यह रचनात्मक कार्यों के लिए भी ये उपयोगी है और सूज जो है वो तात्कालिक व आकस्मिक होती है तो गाइस यहाँ पर वही बात है कि जो सूज होती है वो अचानक से व्यक्ति हो जाती है उसमें समय नहीं लगता वो धीरे धीरे नहीं होती है तो ये कुछ सेक्स महत्व है इस सिद्धांत के इसके बाद में गाइस कुछ क्वेश्चन है या कुछ पॉइंट मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है देखिए बड़े बच्चों के लिए उपयोगी सिद्धांत है पहले मैंने आपको ट्रायल एरर मेथड जो थंड का था वो पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे वो गलतियां कर करके कर सीखते हैं यानी कि ट्रायल एंड एरर मैथड को वो फॉलो करते हैं लेकिन बड़े जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं वो अपनी सूझ से सीखते हैं इसलिए बड़े बच्चों के लिए उपयोगी सिद्धांत क्या हुआ गेस्टाल्ट थ्योरी सूझबूझ का सिद्धांत कई सूझबूझ का जो सिद्धांत है वो जीन प्याजी के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है तो कग्नेटिव डेवलपमेंट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है कि जो जीन प्याजी का कग्नेटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है जो सिद्धांत है वो लर्निंग के किस थ्योरी से जुड़ी हुई है यानी कि आप उल्टा करके पूछ सकते हैं तो आपको फिर क्या आंसर करना है गेस्टाल्ट थ्योरी कई ऐसे ही एक और पॉइंट है कि समस्या समाधान में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है तो ये भी आपका गेस्टाल्ट थ्योरी ही आएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में कुछ अन्य नाम जो है इस थ्योरी के वो जान लेते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी आपको मैंने बता ही दिया है इसके अलावा गई समग्रवादी सिद्धांत भी इसी कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर ये इसी पे बल देते हैं पूर्णकार का सिद्धांत इसे कहते हैं तत्कालिक अधिगम का सिद्धांत सारे नाम आपको ईजिली समझ आएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपको पूरा समझ आ गया है या गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिमान भी इस सिद्धांत को कहते हैं तो गाइस ये आपका छोटा सा सिद्धांत था संज्ञानवादी गेस्टाल्ट थ्योरी जो कम्प्लीट हो गया है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एग्जाम में ठीक है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसके बाद में एक छोटा सा सिद्धांत और है उसको जान लेते हैं इसी से रिलेटेड है थोड़ा क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग तो गाइस जो कर्ट लेविन है वो इस थ्योरी के प्रतिपादक हैं ठीक है इन्होंने प्रतिपादन किया था इस थ्योरी का क्षेत्रवादी जिसे इंग्लिश में कहते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग तो गाइस ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बने हैं लेकिन हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे कुछ भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के व्यू से क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है भी कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए सो so गाइस जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है कर्ट लेविन ने दी है और मेनली ये क्या थे गणितज्ञ थे ठीक है गाइस जो कर्ट लेविन थे ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे मूलतः ये गणितज्ञ थे सो so, जो आपके कर्ट लेविन है ये मानव को इस थ्योरी इस थ्योरी में इस सिद्धांत में, में मनोवैज्ञानिक मानव मानते हैं या मनोवैज्ञानिक मानव कहते हैं इनमें इनका क्या कहना है इस थ्योरी में कि प्राणी जो होता है जो मानव है वो वातावरण से घिरा रहता है और इसी को इन्होंने एक और नाम दिया है जीवन देश ठीक है गाइस तो जीवन देश जो नाम है ये आपका क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन से जुड़ा हुआ है गाइस जो मानव होता है उसके अंदर एक संज्ञानवादी प्रवृत्ति होती है यानी कि उसका एक अपना ज्ञान होता है संज्ञान होता है तो वो एक होता है उसका आंतरिक पर्यावरण जिसमें उसका संज्ञानात्मक जो भी क्षेत्र है वो जुड़ा होता है एक गाइस उसका बाहरी वातावरण होता है जिसमें वो रहता है उसके चारों तरफ का पर्यावरण ठीक है तो यानी जो मानव होता है वो अपने आंतरिक वातावरण और जो बाह्य वातावरण है उनके बीच में अंतर क्रिया करता है इंट्रैक्शन करता है और उसी को गाइस क्या कहते हैं अधिगम कहते हैं ठीक है ठीके? ये सब भी आपका कर्ट लेविन का ही मानना है तो लेविन के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है तो गाइस लेविन क्या कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है जो मानव का व्यवहार है वो व्यक्ति का जो आंतरिक व्यवहार है यानी कि जो उसका संज्ञानवादी क्षेत्र जो है वो और उसका जो बाहरी वातावरण है उनके उनका ही प्रतिफल है उसका व्यवहार उन्हीं के बीच का एक इंट्रैक्शन है ठीक है गाइस इन्होंने अधिगम का एक सूत्र दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है तो सूत्र क्या है देख लेते हैं इनका कहना है कि बिहेवियर यानी कि बी इक्वल है फैक्टर ऑफ बैकेट पी इंटू ई यानी कि पी आपका आता है साइकोलॉजिक साइकोलॉजिकल पर्सन एंड ई आता है इन्वायरमेंट तो गाइस से यहाँ पर अधिकम का जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आ सकता है बी इक्वल एफ फैक्टर पी इंटू ई तो ई e से इन्वायरमेंट हो जाएगा और पी से आपका साइकोलॉजिकल पर्सन एंड बी से बिहेवियर तो गाई ये आपका था क्षेत्रवादी सिद्धांत छोटा सा है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं मेनली इसमें क्या कहा गया है मानव जो है वो इंट्रैक्शन करता है वातावरण के साथ और वातावरण से वो अपना घिरा रहता है और उसी को जीवन देश नाम जो है वो लेविन ने दिया है ठीक है गाइज तो ये आपका था फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इससे पहले हमने बात कर ली है सूज व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत संज्ञानवादी गेस्टाइल्ड थ्योरी की तो गाइस ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत जो आपका रहेगा वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से मैं आपके लिए एक का कोर्स जो है वो यहाँ पर लेके आऊँ आपका जो सी का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे हम एग्जाम से पहले ताकि आपको जो है अच्छे नंबर मिला मिले सीटेट में या आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबर से क्लियर हो तो मेरा यही मेनली मोटिव है गाइस ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा उसे कुछ होता नहीं है बस मोटिवेशन मिलता है गाइस कि आपको मेरा जो चैप्टर वो समझ आ रहा है अच्छा लग रहा है आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ आप देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में बस इतना ही जुड़ने के लिए चैनल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू गाइज़